हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट। और मैं हूँ सोनिया शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है क्रिस्पी फ्राइज, जिसे आप एक बार घर में बनाएंगे तो बाजार से फ्राइज लाना भूल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। पोटैटो फ्राइज बनाने के लिए लेंगे हम चार बड़े साइज के आलू, जिनको मैंने पहले से ही साफ करके धो के रख लिया है। अगर आपको लॉन्ग साइज के फ्राइज पसंद हैं, तो ध्यान रहे आप थोड़ा बड़ा ही आलू लें, क्योंकि फ्राइज उतने ही बड़े बनेंगे जितना बड़ा आपका आलू होगा। तो आप अपनी पसंद के अनुसार बड़ा या छोटा किसी भी साइज का आलू ले सकते हैं। अब आलू को ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेंगे। अब आलू की इस तरीके से स्लाइसेस कर लेंगे, ना तो ज्यादा मोटी और ना ही ज्यादा पतली। अब इन स्लाइसेस को इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए ये ना तो ज्यादा मोटी है और ना ही ज्यादा पतली, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप भी अपने फ्राइज का साइज इसी तरीके से रखना। अब इसी तरीके से सारे आलू कट कर लेंगे। अब इन नाइसली कट स्लाइसेस को किसी ठंडे पानी के बर्तन में 20 से 30 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि पानी थोड़ा सा ठंडा ही हो। 20 से 30 मिनट के बाद इनको पानी से निकाल कर वॉश कर लें। और अब इन फ्राइज को किसी साफ कपड़े पर फैला लें। अब इनको फैलाने के बाद इनका एक्स्ट्रा पानी किसी कपड़े या टिश्यू से इस तरीके से निकाल लें। जब पोटैटोस में थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए तो इसको हम निकाल लेंगे किसी बाउल में। जब पोटैटोस में थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए, जैसे थोड़े थोड़े से गीले थोड़े थोड़े से सूखे, तो इसमें हम डाल देंगे चार बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के। ध्यान रहे कॉर्नफ्लावर हर स्लाइसेस पे अच्छे से लग जाना चाहिए। क्योंकि फ्राइज में लॉन्ग लास्टिंग क्रिस्पीनेस इस कॉर्नफ्लावर की वजह से ही आएगी, तो कॉर्नफ्लावर हर स्लाइसेस में बिल्कुल अच्छे से लग जाना चाहिए। अब इनको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो चलिए तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं इनको फ्राई करने के लिए। कढ़ाई में तेल इतना डालें कि ये अच्छे से डूब जाएं, क्योंकि ये डीप फ्राई होंगे। अब हम तेल को हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे, क्योंकि फ्राइज के लिए हमें तेल थोड़ा अच्छा गरम ही चाहिए। तेल अच्छा गरम हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़े थोड़े पोटैटो स्लाइस। एक बार में स्लाइस ज्यादा ना डालें, बस इतने ही कि हम इसको आसानी से कढ़ाई में चला सकें। क्योंकि हम इन फ्राइज को डबल फ्राई करने वाले हैं, तो हम इनको पहली बार से सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे, लगातार चलाते हुए।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप इन फ्राइज को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इनको हाफ फ्राई करके प्लास्टिक के जिपर बैग में 10 से 15 दिन के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी दिल करे गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व करें। जब फ्राइज पहली बार में इस तरह से हो जाए तो इनको निकाल लें। और बाकी बची हुई स्लाइसेस को भी इसी तरीके से फ्राई कर लें। आप इन फ्राइज को 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इन फ्राइज को किसी गेस्ट के लिए बना रहे हैं और सेकंड फ्राई, तो आप गेस्ट के आने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। जब आप इनको सेकंड टाइम फ्राई करेंगे तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा हाई ही रखें। आप इन फ्राइज को लगातार चलाते हुए ही फ्राई करें, इससे फ्राइज का कलर सब जगह से एक जैसा आएगा। जब फ्राइज आपके मन मुताबिक कलर और क्रिस्पीनेस अचीव कर ले तो इनको निकाल ले बाहर और गर्मा गर्म परोस दें। आप इन गर्मा गर्म फ्राइज को चीज सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।